मध्य प्रदेश के सागर जिले से खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां 6 लोगों ने मिलकर एक धारदार हथियार से भूपेंद्र लोधी नाम के युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सागर जिले के देवरी NH-44 पर मौजूद परी होटल में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि मृतक भूपेंद्र लोधी अपने कई साथियों के साथ परी ढाबा पर पहुंचा था, जहां लगभग 15 मिनट बाद ही सभी लोगों में किसी पुरानी बात को लेकर गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद शुभम चौरसिया नाम का आरोपी किचन से चाकू लेकर आया और चाकू से वार करके भूपेंद्र की हत्या कर दी। ढाबे पर ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिर घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायल भूपेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कितने आरोपी, किन किन ने हत्या की, सवाल किया था? कल ये रात में लगभग 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। ये देवरी थाना अंतर्गत बाईपास में एक परी होटल है, जहाँ पे पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई और लठ और कुर्सियों से मारपीट की गई, जिसमें व्यक्ति भूपेन्द्र लोधी, उम्र 32 साल, हॉस्पिटल आने पे जिनको डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया। इस मैटर में गंभीरता देखते हुए तत्काल मेरे सब डिवीजन की टीम, थाना प्रभारी सभी घटनास्थल गए। इसमें नामजद 6 लोगों के खिलाफ FIR कराई गई है और इसका कारण पुरानी रंजिश आया है। FIR हमने दर्ज कर ली है 302 के अंतर्गत। वहीं भूपेंद्र के परिजनों का कहना है कि पहले भी आरोपियों के साथ भूपेंद्र का झगड़ा हो चुका है और पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है।